हेलो दोस्तों, स्वच्छंद सम्राट राष्ट्र, सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी कि अपने कमिटमेंट पर पिछले 2-3 हफ्तों से टिका नहीं रह सका और हर मंगलवार को एक स्वास्थ्य वीडियो स्वच्छंद सम्राट राष्ट्र के तहत जो मुझे पोस्ट करना चाहिए था वह नहीं कर पाया किन्हीं वजहों से। खैर, मैं आपसे फिर से एक बार मुखातिब हूँ और आज जो विषय लेकर आया हूँ मैं वह है टीकाकरण बच्चों में एवं बड़ों में भी। हम में से बहुत सारे लोग बच्चों के टीकाकरण के लिए तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और आजकल भारत में टीकाकरण का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट टीके भी जो आजकल नए इंट्रोड्यूस हुए हैं नई बीमारियों में। लेकिन साथ ही साथ में बड़ों के टीके के विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो पहले मैं बच्चों का टीका पहले बता देता हूँ। देखिए, एक तो जन्म के समय जब बच्चा शिशु नवजात शिशु होता है तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। साथ ही साथ में मैं स्क्रीन पर लिख भी दूंगा जिससे कि आप देख सकें। तो सबसे पहले जब जन्म होता है तो जन्म के ही दिन पर ओरल पोलियो की ड्रॉप और BCG वैक्सीन और साथ ही साथ में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शिशु को दे दिया जाता है। इसके बाद जो अगला टीका लगता है वह 6 हफ्ते की उम्र पर होता है। 6 हफ्ते की उम्र पर जो टीका लगता है सरकारी अस्पताल जो भारत सरकार हमें दे रही है वो पेंटावेलेंट वैक्सीन कहलाता है। पेंटावेलेंट में पेंटावेलेंट का मतलब है 5 अलग अलग तरह के कीटाणुओं का संक्रमण रोकने की क्षमता वाला वैक्सीन। तो पेंटावेलेंट में क्या क्या होता है, डी फॉर डिप्थीरिया, DPT के 3 मतलब डी डिप्थीरिया जिसमें गलघोटू एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, डेथ रेट जिसमें बहुत ज़्यादा होता है डिप्थीरिया और आज भी भारत में होती है, अनफॉर्चुनेटली डेवलप कंट्रीज़ में लगभग खत्म हो चुकी है। तो डिप्थीरिया गलघोटू जिसमें कि गला अवरुद्ध हो जाता है, हार्ट में भी प्रॉब्लम्स होती हैं और पैरालिसिस भी हो जाता है बच्चे को। देन होता है पर्टुसिस जिसे कुकर खांसी बोलते हैं, एक बार कुकर खांसी होती है तो उसे कहते हैं लगभग 3 महीना लगता है ठीक होने में और बच्चा काफ़ी कमज़ोर भी हो जाता है और बहुत ही अनोइंग कॉफिक होती है। तो डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस, टी फॉर टिटनेस, टिटनेस आप लोग जानते हैं जिसमें कि मांसपेशी में बहुत अकड़न होती है, ज़्यादातर चोट लगने के बाद टिटनेस का कीटाणु अंदर प्रवेश करने के कुछ दिनों के बाद टिटनेस शुरू हो सकता है। तो DPT में ये 3 कीटाणुओं की रक्षा वाला है। साथ ही साथ में पेंटावेलेंट वैक्सीन में DPT के अतिरिक्त हिप वैक्सीन H इन्फ्लुएंजी B नाम के कीटाणुओं का टीका होता है। यह टीका बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों की सुरक्षा के लिए। ये मस्तिष्क ज्वर, निमोनिया, गले का इन्फेक्शन जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, कान का इन्फेक्शन जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं और गले का इन्फेक्शन जिसे एपिग्लोटाइटिस कहते हैं, ये सभी खतरनाक इन्फेक्शन जिसमें मस्तिष्क ज्वर सबसे खतरनाक है और सबसे कॉमन है मस्तिष्क ज्वर का कारण ये बैक्टीरिया बच्चों में H इन्फ्लुएंजा B बैक्टीरिया, तो इससे बचाव का टीका होता है ये 4th DPT और हिप। 5वां हेपेटाइटिस बी जिसके विषय में आप लोग कुछ जानते हैं। हेपेटाइटिस बी लिवर का एक संक्रमण है जो कि ब्लड या रक्त संबंध हो या फिर फिजिकल कांटेक्ट जैसे कि सेक्सुअल संबंधों से हेपेटाइटिस बी एक दूसरे से फैलता है या खराब सिरिंज, खराब निडल जिनमें हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो से किसी को चुभा दिया जाए तो उससे भी हेपेटाइटिस बी संक्रमण हो सकता है। कई बार हेपेटाइटिस बी का कोई कारण नहीं पता होता। शिशु में क्यों लगाया जाता है बर्थ से और उसके बाद फिर 1.5 महीने पर, क्योंकि माँ से कई बार हेपेटाइटिस बी यदि संक्रमित है माँ तो शिशु में आ सकता है, तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से ये 5। इसके अलावा ओरल पोलियो जिसके विषय में आप जानते हैं, ओरल पोलियो पिलाया जाता है। आजकल इंजेक्शन पोलियो भी लगता है जो कि प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में उपलब्ध है। एक खुशी की बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अभी भारत में ही विकसित रोटा वायरस का वैक्सीन उपलब्ध करा दिया है। रिसर्च भारत रोटा वायरस वैक्सीन की बाहर हुई है लेकिन इसके दूसरे स्ट्रेन, इसकी टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी से हमने जो बनाया ये काफ़ी सस्ता वैक्सीन हो गया जिसकी वजह से भारत सरकार इसे उपलब्ध करा पाई। अदरवाइज रोटा वायरस का वैक्सीन लगभग 1400 रुपये का मिलता था। DPT का ये जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है ये भी भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। प्राइवेट में इसकी कॉस्ट 600 रुपीज़ के आसपास होती है। इसी का कम पेन वाला वर्जन लगभग 900 रुपये या पेनलेस वर्जन करके जो जिसका विज्ञापन है वह लगभग 2200-2300 रुपये का वैक्सीन उपलब्ध होता है प्राइवेट जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास। आपको शिशु रोग विशेषज्ञ जब भी आप जाएंगे उनके पास एक उनका फ़र्ज है या सरकारी अस्पतालों में एक ग्रोथ चार्ट और वैक्सीनेशन कार्ड आपको देंगे। तो ये वैक्सीनेशन कार्ड जो है
उसमें वैक्सीन्स की एंट्री होंगी, साथ ही साथ में बच्चे की ग्रोथ ज़रूर मॉनिटर होना चाहिए। एक ग्रोथ चार्ट उठा कर दो, उसमें बच्चे की ग्रोथ ज़रूर मॉनिटर होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर ये ग्रोथ चार्ट है, आप देखें ये, ठीक है। तो ये किसी भी शिशु रोग विशेषज्ञ का फ़र्ज़ है कि इसे मेंटेन करें। मैंने देखा है कई बार बिजी होने की वजह से, ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए। और यदि आपके डॉक्टर नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं, उन्हें याद दिला सकते हैं कि इस चार्ट को आप ज़रूर मेंटेन करें, जिससे कि 3 साल तक बच्चे की ग्रोथ का पैटर्न आपको पता हो। इसमें हाइट या लेंथ, वेट और हेड सरकमफेरेंस का रहता है, कम से कम वेट तो रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे कि हमें ऑब्जेक्टिवली पता हो। 6 वीक्स के बाद सेम वैक्सीन 10 वीक्स और 14 वीक्स पर लगता है। इसके अलावा एक और वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो कि सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, कॉस्टली होता है। इसके 2 अलग अलग तरह के ब्रांड होते हैं, जिनकी MRP भारत में 1600 और 3800 रुपये है। तो ये न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोकोकल निमोनिया, न्यूमोकोकल सेप्टिसीमिया और मस्तिष्क ज्वर से रक्षा करता है, और न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाले अन इन्फेक्शन से भी, यह भी एक खतरनाक इन्फेक्शन है, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें लगाना बेहतर होगा। ज़्यादातर ये वैक्सीन काफ़ी हद तक सेफ हैं, सुरक्षित हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर हैं, मिनिमल है। DPT वैक्सीन में से जो पर्ट्यूसिस कंपोनेंट होता है उससे दर्द और बुखार होता है, इसका पेनलेस वर्जन भी उपलब्ध है आजकल मार्केट में। तो ये 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पे सेम वैक्सीन्स लगेंगे, क्या क्या? पेंटावेलेंट, रोटावायरस, न्यूमोकोकल और पोलियो ड्रॉप, ओके। देन फिर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में जिसमें स्वाइन फ्लू का वैक्सीन भी उपलब्ध हो मिला हुआ होता है, और बाकी इन्फ्लुएंजा भी जो कॉमन सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स के साथ होता है वह दिया जा सकता है। हालांकि मैं ये बोलूँगा ये बहुत ज़रूरी वैक्सीन नहीं, क्योंकि हर साल में इसको रिपीट करना होता है। तो यदि आपको लगे कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स फैलने वाले हों तो ज़रूर लगवा लें। रूटीनली सारे वैक्सीन आप लगवा सकें, फाइनेंशियल ट्रबल नहीं है तो ज़रूर लगवाना चाहिए, लेकिन यदि आपको चूज़ करना हो तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और ये प्राइवेट सेटअप में ही उपलब्ध है, सरकारी में नहीं उपलब्ध है। 9 महीने पर MMR का वैक्सीन लगाया जाता है, जो कि 3 वायरसेस से रक्षा करता है, मम्स, मीजल्स और रुबेला। अभी राइट नाउ सरकारी अस्पतालों में मीजल्स का वैक्सीन लगता है, ना कि MMR का, अकेला मीजल्स का। और जल्द ही MR वैक्सीन भारत की बहुत सारी लड़कियों को भारत सरकार एक प्रोग्राम लॉन्च करके लगवाने वाली है, क्योंकि MMR वैक्सीन बेहद इंपॉर्टेंट है। जब ये 9 महीने की एज पर लगता है किसी शिशु को, खासकर गर्ल चाइल्ड को, तो ये 3 बीमारियों से रक्षा करता है उसकी, मीजल्स, खसरा जिसमें शरीर में दाने आते हैं, बुखार आता है और बेहद कमजोरी आती है, और उसके बहुत सारे अन्य कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, साथ ही साथ में रुबेला और मम्स, मम्स मतलब गर्ल्स हुआ, जिसमें यहाँ पर फीवर और यहाँ पर सूजन आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड्स में, चीक्स, जिसको गर्ल्स हुआ बोलते हैं। रुबेला इन्फेक्शन, जो आज वैक्सीन लगा ना इस बच्ची को, ये अगली पीढ़ी तक को, उस बच्ची की शादी होगी, उसका बेबी होगा, उसको गंभीर कंजेनाइटल डिफेक्ट से बचाएगा, जैसे कि हार्ट में डिफेक्ट, मेंटल ट्रॉडेशन, कैटरेक्ट और बहरापन इस शिशु को हो सकता है, यदि माँ को गर्भावस्था के दौरान रुबेला इन्फेक्शन हो जाए तो MMR वैक्सीन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं, 1 साल का बच्चा हो गया, 1 साल के बाद 13 महीने पर उसको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए क्या है? हेपेटाइटिस ए लिवर का संक्रमण है, जिसमें कि पीलिया हो जाता है, और ये सबसे ज़्यादा होने वाला पीलिया है इंसानों में। हेपेटाइटिस ए क्यों सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि ये गंदे पानी के माध्यम से या गंदे खाने के माध्यम से आता है। तो क्योंकि हम खाना खाते हैं, बाहर का खाते हैं, हम पानी भी, हमारी सप्लाई भारत में टैप वाटर बहुत अच्छा नहीं, तो इस वजह से हेपेटाइटिस ए का संक्रमण भारत में बहुत होता है। और हेपेटाइटिस से अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में 8-10 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मैं इसके ट्रीटमेंट के विषय में बाद में बताऊंगा। तो ये हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीन है, ये एक ही डोज ज़िंदगी भर रक्षा कर सकता है। इसके 2 तरह के ब्रांड्स अलग अलग आते हैं, उन पर ब्रांड नेम्स पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको एक रफ जानकारी मैंने दे दी। लगभग कॉस्ट इसकी 1200 से 1500 के बीच में लगभग होगी, और प्राइवेट सेक्टर में ही उपलब्ध है, गवर्नमेंट में हेपेटाइटिस ए वैक्सीन नहीं उपलब्ध है। इसके बाद 15 महीने पर MMR का सेकेंड डोज फिर से रिपीट होना चाहिए, और इसके बाद 16 महीने 17 महीने पर चिकन पॉक्स लगाया जा सकता है। ये वैक्सीन आगे पीछे भी डॉक्टर अपनी सहूलियत और पेशेंट की सहूलियत और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रख के थोड़ा बहुत
कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पिन पॉइंट डेट्स का ही ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि दो लाइव वैक्सीन्स, ये लाइव वैक्सीन्स होते हैं जिनमें लाइव वायरसेस होते हैं, जिंदा वायरसेस, लेकिन उनकी क्षमता बीमारी करने की कम कर दी जाती है, हेपेटाइटिस ए, MMR, चिकन पॉक्स, या तो ये एक ही दिन में लग जाएंगे या फिर एक महीने का गैप होना चाहिए। क्लियर? तो दो वैक्सीन इनमें से चुने जा सकते हैं। आजकल एक अच्छी बात यह है कि एक वैक्सीन आ गया जिसमें MMR और चिकन पॉक्स दोनों एक साथ मिले हुए हैं, तो बच्चे को एक प्रिक कम होगा और एक विजिट कम होगी। इसके विषय में आपके डॉक्टर आपको जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद हेपेटाइटिस ए लग गया, चिकन पॉक्स लग गया, MMR लग गया, 18 मंथ्स पर वही बूस्टर जो हमने 6 वीक्स 10 वीक्स 14 वीक्स पर लगाया, सेम वैक्सीन को अगेन जब लगाएंगे तो इसको बूस्टर बोलते हैं। क्योंकि बूस्टर इसलिए क्योंकि ये बूस्ट करेगा उसकी इम्यूनोजेनेसिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये DPT इसमें लगेगा, इसमें लगेगा न्यूमोकोकल वैक्सीन, और इसमें इंजेक्शन पोलियो भी लगेगा, और हिब मतलब पेंटावेलेंट लग सकता है, इंजेक्शन पोलियो लग सकता है, और न्यूमोकोकल वैक्सीन लग सकता है, जिसे PCV नाम से चार्ट्स में एंट्री होती है। इसके बाद 2 ईयर्स पर टाइफाइड वैक्सीन लग जाएगा। टाइफाइड का आजकल एक और नया वैक्सीन आया है जो कि 9 महीने की एज पर भी लग सकता है। कॉस्ट में फ़र्क है, एक वैक्सीन काफ़ी सस्ता है 100-200 रुपये का, तो दूसरा का MRP लगभग 1800 रुपये है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन की। ऑब्वियसली जो महंगा वैक्सीन है उसके अपने फ़ायदे हैं, ज़्यादा साल तक असर रखता है और ज़्यादा हद तक प्रोटेक्शन देता है, लगभग 90% प्रोटेक्शन, जबकि सस्ता वाला वैक्सीन का प्रोटेक्शन का स्तर कम रहता है, लगभग 60%। दोनों ही सेफ वैक्सीन हैं। 2 साल के बाद फिर सीधे 5 ईयर्स पर वैक्सीन की ज़रूरत है, जिसमें DPT और टाइफाइड है। इस बीच एक बहुत महंगा वैक्सीन आता है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, 2 साल के ऊपर वो लगवाया जा सकता है, 4800 रुपये तक का कॉस्ट है। ये गंभीर सेप्टिसिमिया और मेनिंजाइटिस से बचाव का है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हर कोई लगवाए। यदि किसी को पैसे की रियली बहुत दिक्कत नहीं है तो वो ट्राई इसको लगवा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। मैंने अपने बच्चे को नहीं लगवाए थे, क्यों? क्योंकि ये नहीं कि पैसे की दिक्कत मुझे, लेकिन मुझे लगा कि जो भारत के बहुत सारे बच्चों को जो नहीं लग रहा, वो मेरे बच्चों को भी नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ तक तो ये बात थी बच्चों के आमतौर पर लगने वाले वैक्सीन्स की। इसके बाद 8 साल पर टाइफाइड का फिर से वैक्सीन रिपीट किया जा सकता है, और यदि आपने महंगा वाला लगवाया तो 10 साल पर रिपीट कर सकते हैं। 10 साल की एज में टिटनस टॉक्साइड लग जाएगा, या TDAP करके एक वैक्सीन आता है, वो लग सकता है। देन आपका जो 10 साल के ऊपर की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर, जिसका एक वीडियो भी पूरा बनाकर डाला हुआ है मेरी वाइफ ने, सर्वाइकल कैंसर जो गर्भाशय के कैंसर का मुख्य कैंसर है, उससे बचाव का टीका है, वो एक्चुअली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करके वायरस है जो कि सर्वाइकल कैंसर का कारण होता है, उससे रक्षा प्रदान करता है। ये 10 साल की एज के बाद की बच्चियों को लग सकता है, 26 साल तक की एज के बीच में, 10 से 26 साल, और वैसे तो 45 ईयर्स तक भी लग सकता है, बट ज़्यादातर आइडियल एज 10-26 ईयर्स ऑफ एज है, इस बीच आप वो वैक्सीन लगवा सकते हैं बच्चियों को। ये रही बात बच्चों में लगने वाले वैक्सीन्स की, तो क्या बड़ों में वैक्सीन्स नहीं लगाए जा सकते? देखिए, ये सारे बैक्टीरिया या वायरसेस से बचाव के वैक्सीन्स हैं ज़्यादातर, और ये इनमें से अधिकांश बैक्टीरिया वायरसेस एडल्ट्स को भी होते हैं, जैसे टाइफाइड एडल्ट को होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सब एडल्ट्स को होते हैं, मीजल्स हो सकता है, चिकन पॉक्स एडल्ट्स को हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली हम लगवा सकते हैं इन वैक्सीन्स को, बड़े लोग भी, ज़्यादातर इनको एक एक डोज लगाने की ज़रूरत होगी, या मैक्सिमम 2 डोज, खासकर आप हाई रिस्क जोन में हैं या घर में, जैसे चिकन आप देख रहे हैं कि चिकन पॉक्स फैल रहा है कम्युनिटी में, आप लगवा सकते हैं, वर्क लॉस होने का डर रहता है। हम डॉक्टर्स कई बार इन वैक्सीन्स की वजह से ही बचे रहते हैं बहुत सारी बीमारियों के बीच में होते हुए भी। तो टाइफाइड वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, हेपेटाइटिस ए लगवा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तो लगवा ही लेना चाहिए, क्योंकि बेकार सी बीमारी है और बड़ा सस्ता वैक्सीन है इसका, मतलब इवन 100-200 रुपीज़ में आपको लग सकता है, कम में, फीस सहित, तो बहुत सस्ता वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी ज़रूर लगवा के रखें आप। हेपेटाइटिस ए के बारे में अवेयरनेस कम है, हम बहुत फुल्की चाट खाने वाली, और मैं इसके लिए इनक्रेज करूँगा, हमारे ठेले वालों का बिज़नेस चलना चाहिए, हालांकि उनको सफाई रखना चाहिए, तो गन्ने का जूस, अभी गर्मियाँ हैं, फुलकियाँ, चाट, ये सब खूब खा सकते हैं आप यदि हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड के वैक्सीन्स लगे हों तो, क्योंकि ये सबसे 2 कॉमन बीमारियाँ हैं जो इनके बाद होती हैं
इन वैक्सीन के विषय पर। रोटा वायरस वैक्सीन मैंने नहीं बताया, इसके विषय में थोड़ा और बता दूं, जो कि 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पर लगता है। रोटा वायरस जो है वो 10 से रोकथाम का वैक्सीन है। बच्चों में 10 का सबसे बड़ा कारण रोटा वायरस है, और इससे होने वाली मौत, इससे होने वाली एडमिशंस जो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी रोटा वायरस से ही होते हैं। और रोटा वायरस का वैक्सीन पिलाया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकी ओरल पोलियो के अलावा सिर्फ ये वैक्सीन है जो कि पिलाया जाता है। और ये इसमें एक खास बात यह है कि 6 महीने के बाद की एज पर ये नहीं दिया जा सकता है, जबकि बाकी सारे वैक्सीन बाद में दिए जा सकते हैं। आप MMR वैक्सीन, मैं बोलूँगा हर भारत की हर लड़की को MMR का वैक्सीन लगवाया जाना चाहिए। शादी यदि हुई आपकी, ज़रूर लगवाइए बच्चा प्लान करने के पहले, ठीक है, MMR वैक्सीन, जिससे कि आप तो सुरक्षित रहें, आपकी अगली पीढ़ी भी। मैं हर साल ऐसे 5 से 10 केस कम से कम एक अकेला डॉक्टर देखता हूं जो कि गंभीर कंजेनाइटल डिफेक्ट से मेरे पास आते हैं रूबेला सिंड्रोम की वजह से। तो इसमें इसके प्रति यदि जागरूकता होगी, और आपको पता है कितने का MMR का जो सस्ता ब्रांड है वो 100 रुपीज़ में मात्र आ जाएगा, डॉक्टर फीस भी सही 300, 400, 500 में लगा देंगे, और क्या, ठीक है। तो ये थी जानकारियाँ टीकाकरण से संबंधित। और कोई जानकारी आपको यदि मैंने छोड़ दी हो, मैं चाहता था इसको शॉर्ट, क्रिस्प और आसान बनाकर रखूं। यदि कुछ भी पूछना हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों से शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए बोलें। एक ही मोटिवेशन हो सकता है मेरा इस काम को जारी रखने का, वो यह है कि आपको ये उपयोगी लग रहा है कि नहीं, मेरे लोगों को ये उपयोगी लग रहा है कि नहीं। और मेरा पैशन यही है कि भारत में स्वास्थ्य भ्रांतियों को दूर करूं, स्वास्थ्य जागरूकता लेकर आऊं, लेकिन मैं ये अकेला नहीं कर सकता, आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है। और मैं बताऊं, देशभक्ति हम सब ना जो फेसबुक, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर रहते हैं, हम बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं और हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं देश को, लेकिन मैं बताऊं, स्वास्थ्य के विषय में यदि आप कंट्रीब्यूट करेंगे थोड़ा सा मेरे साथ, तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश के स्वास्थ्य आंकड़े काफ़ी ख़राब हैं। साथ ही साथ में आपको हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बार अपील की है साफ़ सफाई के लिए, एक सफाई अभियान हमारा देश में शुरू हुआ है, इसको सपोर्ट करें। जो लोग भी मोदी जी से प्यार करते हैं वो मोदी जी के लिए नारे भले ना लगाएं, दूसरों को गाली भले ना दें मोदी जी की आलोचना पर, लेकिन सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ भी हो सके वो मोटिवेट करें लोगों को, गंदगी ना करें अपने घर जैसा। हमारी जो सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ हम जगह जगह पान की रंग से रंग देते हैं, ये टेंडेंसी को हम बंद करें और देश को कंट्रीब्यूट करें स्वस्थ में, स्वस्थ रखने में, साफ रखने में। इससे हमारे देश की इमेज काफ़ी बेहतर होगी और हम बेहतर बच्चे, बेहतर स्वस्थ जन जब हमारे होंगे, आप देखिए देश अपने आप तरक्की की राह पर ज़्यादा प्रॉस्पेरस होने लगेगा, ज़्यादा मजबूत होने लगेगा, क्योंकि इन्हीं में से तो तेज दिमाग साइंटिस्ट निकलेंगे, तेज दिमाग नेता निकलेंगे, तेज खिलाड़ी निकलेंगे जो ओलंपिक जीतेंगे। तो आप सबको मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं स्वस्थ रहने के लिए, आपके बच्चे हो, नन्हे बच्चों को प्यार। और कोई भी जानकारी की ज़रूरत हो तो फिर से बोलें मेरे साथ, एक बार कहेंगे मुझे देख रहे हैं, स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र। थैंक यू वेरी मच।